कॉन्सेंट्रेट। अब सब अपनी आंखें बंद करो, आत्माओं को आवाज दो, दूसरी दुनिया की आत्माओं को बुलाओ, उन्हें पुकारो, उन्हें इस कमरे में बुलाओ। अब सब एक साथ आवाज दो, आत्मा सामने आओ, 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 आत्मा सामने आओ। विकी क्या हो रहा है तुम्हें? विकी, विकी कुछ बोलो ना, कहीं इसके अंदर सचमुच आत्मा तो नहीं आ गई? देखने से तो ऐसा ही लगता है। विकी, हाँ राहुल, राहुल तुम ठीक हो ना? इसने तो मुझे मार ही डाला था। विकी, कहीं ये मर तो नहीं गया? विकी, विकी, पल्स तो चल रही है। What nonsense? ये सब मजाक था? अगर मैं हार्ट फेल हो जाता तो क्या? अगली बार हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते। What's wrong with you? ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? Just relax guys, ये प्लान शीट से कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई आत्माएं नहीं आती। अगर तुम लोगों को सच में आत्माएं देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। भीमगढ़? ये कहाँ है? शहर से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, वहाँ मेरे अंकल का एक बंगला है जो हॉन्टेड है, जहाँ आत्माएं बसती है। तो तुम्हारे अंकल उस हॉन्टेड बंगलों में रहते हैं? अरे नहीं यार, वो तो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने उसके लिए केयर टेकर छोड़ा हुआ है। अगर तुम लोगों को वाकई कोई आत्मा देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। Sounds exciting. चले। मैं उस हॉन्टेड बंगलों में नहीं जाऊंगी। Oh, come on, Anita. We'll have fun. Let's go. अब कुछ बोलो भी यार तुम लोग। Please. ठीक है। Let's go. ये बंगला तो किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहा है यार। मैंने कहा था ना, तुम लोगों को अगर सच में आत्माएं देखनी हो तो इसी बंगले में मिलेंगी। यार मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वैसे भी ये बंगला बाहर से इतना डरावना है, वो अंदर से ना जाने कैसा होगा। अरे ये केयर टेकर कहाँ रह गया यार, उसे क्या हॉर्न सुनाई नहीं देता? ये लो, आ गया। ये कैसा केयरटेकर है? ये मेरे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयरटेकर है। सन्नाटे में हॉर्न की आवाज ज्यादा ही गूंजती है। अंकल ने आपको बताया होगा कि हम लोग यहाँ पे रहने आ रहे हैं। गाड़े उधर पार्क करो। ये सामान कहाँ है? यहाँ पर है। उतरो। क्या वाकई इस बंगले में किसी लड़की की आत्मा रहती है? इस बंगले में नहीं, इस बंगले के उस पार एक घना जंगल है, वहाँ बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। जंगल में आत्मा है? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए उस जंगल की तरफ जाना नहीं, समझे? चलो।
ये तुम्हारे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयर टेकर खुद ही इतना डरावना है कि हमें किसी आत्मा वात्मा की जरूरत तो नहीं है। वो ठीक कह रहा था, उस जंगल में आत्माओं का डेरा है। विकी, तुम हमें बार बार बकरा नहीं बना सकते, मुझे सब पता है। तुमने इसी को कहा होगा कि आज हम यहाँ पे आ रहे हैं, और उसी वजह से उसने कहा कि जंगल में आत्माएं भटकती है, तो हम डर गए ना। मुझे सब पता है, क्यों सही बोला ना विकी। चलो यार अब अंदर चलते हैं, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ यार लेट्स गो। तुझे तो बेटा वो मजा चुकाऊंगा जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। वाओ आई रियली लव दिस प्लेस। पिकनिक के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती है ना अनीता। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। डर अनीता, इतना डरना ना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। सही कह रहे ना। अच्छा विकी मुझे एक बात बता कि तू उस वक्त कह रहा था कि बंगले में आत्मा है, और अब यहाँ आकर तुम्हारा वर्ल्ड क्लास कैटेगर कह रहा है कि जंगल में आत्मा है। आत्मा बंगले में हो या फिर जंगल में क्या फर्क पड़ता है, सबसे अहम बात तो यह है कि हम सब यहाँ पर आए, और वैसे भी भीम गिराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कम ऑन यार विकी। क्यों प्लीज चेंज द टॉपिक। ओके सीधे सीधे बोलना कि तू डर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ प्लीज गाइस स्टॉप इट, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, और तुम लोगों की कब से झगड़े जा रहे हो? तुम इससे क्यों नहीं कहती कब से अपनी बहादुरी की डिंगे मारे जा रहे हैं? राहुल प्लीज अब तुम तो चुप हो जाओ। मैंने कोई डिंगे नहीं मारी, मुझमें तुझसे ज्यादा हिम्मत है, कभी आजमा कर देख लेना। अगर ऐसी बात है तो जाके दिखा उस पीछे वाले जंगल में, और वो भी अकेले। पागल मत बनो राहुल, अगर वाकई वहां उस जंगल में कोई आत्मा हुई तो? अरे ये तो किसी से डरता नहीं, आत्मा वात्मा का भी सामना कर ले गए। और अगर मैंने तेरा चैलेंज मान लिया तो मैं मान लूंगा कि मैं डरपोक हूं और तू दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर। डन। ओके डन। अच्छा विकी अब तुम यहाँ से जंगल के अंदर जाओ और कल सुबह तक वापस नहीं आओ, ठीक है? एक बार फिर से सोच लो, अगर अंदर वाकई कोई खतरा हुआ तो? विकी किसी खतरे से नहीं डरता। That's like my girl. All the best. मुझे बहुत ही खराब सी फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नताशा चल यार अनीता, कुछ भी नहीं हो, तू देखना मेरा विकी जंगल के अंदर जाएगा और सुबह तक वापस भी आ जाएगा, और राहुल को शर्त में हरा देगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका फैसला तो सुबह ही होगा। चलो अब चलते हैं। ये तो विकी की आवाज है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? तुम लोग इधर ही रुको, मैं जाके देखता हूँ। विकी विकी किधर हो तुम, मुझे आवाज दो। विकी विकी किधर हो तुम? विकी ये राहुल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं राहुल और विकी दोनों को कुछ हो गया तो? एक काम करते हाँ? अंदर चल के देखते, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलना मैं हूं ना तेरे साथ, चल अंदर चल के देखते। संभल के उस जंगल के अंदर क्या हुआ होगा, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है नताशा। कुछ नहीं होगा अनीता। विकी राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। विकी राहुल ठीक तो ना? राहुल विकी कहाँ है? राहुल राहुल विकी कहाँ है? जब विकी यहाँ जंगल में आया तो उसके पास मोबाइल फोन और पर्स था ना? हाँ सर। हाथ में अंगूठी और घड़ी भी थी। उसने चेन भी पहनी थी। चेन भी गायब है, कैसी थी ये चेन और अंगूठी? उसकी अंगूठी सोने की थी और उसकी चेन भी, उसकी चेन पर उसके नाम का पहला अक्षर वी लिखा हुआ था। पिछले साल उसके बर्थडे पर मैंने ही उसे गिफ्ट की थी। संभाले अपने आपको प्लीज, कौन कर सकता है ये? साहब ये जंगल में बहुत सारी दुखी आत्माएं भटकती हैं। आत्मा? हाँ आत्माएं, मैंने तो इन बच्चों को पहले ही मना किया था कि इस जंगल में मत आओ, पर मेरी बात तो सुनी नहीं इन्होंने। अब देखो नतीजा। मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो तेरा नतीजा क्या होगा मालूम है? बकवास करना बंद करो, आत्माएं ले गए इसकी घड़ी अंगूठी और चेन। माफ कीजिए साहब। राहुल तुम ठीक हो? जब विकी का खून हुआ तो तुम जंगल में थे ना? यस सर। अब ठीक से सोच के बताओ यहाँ इस जंगल में एग्जैक्टली हुआ क्या था? विकी की चीख सुनकर जब मैं जंगल के अंदर आया तो मैंने देखा कि
और फिर विकी को मारकर वो पेड़ वहां से चला गया। तुम कह रहे हो कि विकी को पेड़ नहीं मारा था? लगता है ये कल रात के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकला है सर, इसे किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। साहब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, दुखी आत्मा पेड़ बनकर आई है। आत्मा चुप फेड़ी, निखिल इस आदमी को मेरे नजरों के सामने से ले जाओ वरना कुछ हो जाएगा मेरे हाथों। जाओ यहां से तुम। आइए मैं आपको आत्मा की कहानी सुनाऊं। राहुल एक कहानियां सुनाना बंद कर दो। सच सच बताओ विकी का खून किसने किया? मेरी बातों का यकीन कीजिए सर, विकी को पेड़ ने मारा है। नहीं सर, मुझे तो लगता है इसी ने मारा है मेरे विकी को। नताशा पागल मत बनो, राहुल पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें याद हो तो राहुल के जंगल में जाने से पहले विकी की चीख सुनाई दी थी ना। तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। नताशा मैं वही कह रही हूँ जो सच है। हाँ नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन सबको ब्यूरो लेके चलो। राहुल तुम्हें जरूर मालूम है किसने मारा विकी को। सर मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि विकी को पेड़ ने मारा है। एक बार सच बोल दो सारा झंझट खत्म हो जाएगा, समझे तुम? विकी को पेड़ ने मारा है, पेड़ ने मारा है और पेड़ ने ही मारा है सर, मेरा यकीन कीजिए। राहुल तुम ये क्या बोल रहे हो, बोलने से पहले एक बार तो सोचो, पेड़ कैसे खून कर सकता है विकी का? एक काम करो, इसके माँ बाप को ब्यूरो में बुलवाओ, देखने दो उन्हें नौजवान लड़के की करतूत, उनके दिल पे क्या बीतेगी मालूम है, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा खूनी है। सर प्लीज उन्हें मत बुलाइए सर। सच बता दो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर राहुल के बात पे विश्वास कीजिए सर, वो कभी झूठ नहीं बोलता सर, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम राहुल की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो, कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो ये खून नहीं किया? हाँ सर, इन दोनों ने मिलकर मारा है मेरे विकी को। नताशा हम तुम्हारे दोस्त है और तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रही हो। एक मिनट, क्या बता रही थी नताशा तुम? पिछले साल वैलेंटाइंस डे पे राहुल ने मुझे प्रपोज किया और मैंने इसका प्यार ठुकरा दिया क्योंकि मैं विकी से प्यार करती थी सर, और इस राहुल ने उसी का बदला निकाला, मार डाला मेरे विकी को। क्या बकवास कर रही है तुम, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। तुमने नताशा को प्रपोज किया था? ये बात सच है, मैंने इसे प्रपोज किया था, पर जब से अनीता मेरी जिंदगी में आई है तब से अनीता के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर ये झूठ बोल रही है, मुझे तो लगता है इसी ने ही विकी को मारा है और मुझे और राहुल को बताने की कोशिश कर रही है। सर मैं ऐसा क्यों करूंगी सर, सर मैं विकी को बहुत प्यार करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीनों विकी के खून में शामिल हो और अब हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? और तो और तुम तीनों ने विकी की घड़ी और बाकी की चीजें भी चुराई, ये साबित करने के लिए कि खून चोरी के लिए किया गया। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? हाँ सर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे सर, हमारी बात पे विश्वास कीजिए सर। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है इसका पता तो चल ही जाएगा। ये देखिए विकी के पेट के जख्म में मुझे ये मिला है, पत्ते का टुकड़ा, पीपल के पत्ते का टुकड़ा। ये लो, वहां ब्यूरो में जाओ तो राहुल कहानियां सुना रहा है कि पेड़ ने खून किया है, और यहाँ फोरेंसिक लैब में आओ तो साड़ों के साथ भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। क्या रंग में रंगा हुआ है, मैंने कब कहा कि विकी का खून पेड़ ने किया है? अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो ये पीपल का पत्ता दिखाने का क्या मतलब है? अभिजीत ये पीपल के पत्ते का टुकड़ा है, इस विकी के पेट के जख्म में मैंने नहीं डाला, और जो सुराग मुझे मिलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा कि नहीं? अलोक साहब ये विकी की लाश जंगल में पड़ी थी, ये भी तो हो सकता है कि पीपल का पत्ता उड़ के आया हो और इसके जख्म में घुस गया। नहीं समझे, अगर ऐसा होता तो हमें यह पत्ता ऊपर ऊपर मिल जाता, मगर हमें यह पत्ता जख्म के काफी नीचे वाले हिस्से में मिला, गहराई में जाकर। और बॉस इस विकी के गले पर जो जख्म है, इस जख्म में से भी मुझे एक चीज मिली है, वो ये तो लकड़ी का टुकड़ा लगता है, पेड़ के तने जैसा। एग्जैक्टली लकड़ी का टुकड़ा, पेड़ के तने की लकड़ी का टुकड़ा। अब अगर ये तना इसे गले में कहां से घुस गया? भाई साहब ढूंढना पकड़ना आप लोगों का काम, मुझे जो मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर मतलब राहुल सच कह रहा था, खून पेड़ ने किया है? पेड़ खून नहीं करते काजल, ये कुछ और ही चक्कर है, इसका राज उस जंगल में ही छुपा हुआ है। सर इस जंगल में पीपल का पेड़ आदि भी मुश्किल ही लगता है। तो ऐसे लगने लगा है पीपल के पेड़ के पत्ते का टुकड़ा जो हमें इस विकी की लाश में से मिला है वो जंगल में से नहीं कहीं बाहर से आया है। हो सकता है सर वो कोई पेड़ ना हो बल्कि कोई आदमी है जो पीपल के पत्तों का कॉस्ट्यूम बना के पहना हो सकता है।
ये पैर का निशान, इस जानवर के पैर के निशान लगते हैं, काफी बड़े निशान है, हाथी के बच्चे के पैर के जैसे। इस जंगल में हाथी? उस जंगल में कोई हाथी है ही नहीं, तो हाथी के पैर के निशान कैसे हो सकते हैं? उन्हीं ने जो कपड़े पहने हुए थे, मेरा मतलब जो पेड़ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके साथ उसने कोई बड़े साइज का जूता तो नहीं पहन लिया, इसके वजह से ये हाथी के पैरों जैसा निशान बन गया। सर, उन्हीं हाथी ने अपना मोबाइल फोन यहाँ पे फेंक दिया सर, टूटा हुआ है। सर लगता है ये विकी का होगा। उसे मालूम था कि हम इस मोबाइल के जरिए उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसने इस मोबाइल को तोड़ दिया और यहाँ पे फेंक दिया। अगर इस खूनी ने इस विकी को लूटा है तो शायद इस इलाके में और भी इस तरह के लूटपाट और खून की वारदातें हुई होंगी। अच्छा, एक काम करो, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता करो कि ऐसे लूटपाट यहाँ पे कहीं पे हुई है क्या, और किसी ने ये चलते हुए खूनी पेड़ को देखा है क्या। सर, भीमगढ़ पुलिस स्टेशन से पता चला है कि वहां पे और कोई भी वारदात नहीं हुई, लेकिन हाँ एक अजीब सी घटना जरूर हुई। कैसी घटना? सर, वहाँ के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का कहना है कि ये 3 दिन पहले की बात है, वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ आए थे और कह रहे थे कि हाईवे पे उन्होंने एक पेड़ को चलते हुए देखा। क्या, पेड़ को चलते हुए देखा है? हाँ सर, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी बात पे विश्वास नहीं किया, बल्कि मजाक में टाल दिया। है कौन ये हस्बैंड वाइफ? सर, ये वो पति पत्नी जिन्होंने वो चलता हुआ पेड़ देखा था। हाय सर, मेरा नाम रणवीर है और ये मेरी वाइफ डायना। आप लोगों ने वाकई में पेड़ चलता हुआ देखा या कुछ और था? जी सर, वो पेड़ ही था। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताइए। सर, 3 दिन पहले हम लोग पूना से वापस शहर की तरफ आ रहे थे और तभी भीमगढ़ इलाके में तुम सब गए होंगे, लव गाड़ी में चला था। पैसेंजर सीट पर इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो, भला कौन रखेगा? फ्लैट, बीवी के साथ फ्लैट। ओह माय गॉड, वो क्या है? चलता हुआ पेड़। मैंने सुना है इस इलाके में बहुत आत्माएं हैं, गाड़ी भगाओ। उससे ज्यादा भयानक नजारा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ सर, वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी, वो चलता हुआ पेड़ देखकर। ये भी तो हो सकता है कि वो पेड़ था ही नहीं, पेड़ की कॉस्ट्यूम में कोई आदमी चल रहा था। आपका मतलब है फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम? हाँ, वैसा ही कुछ। नहीं सर, वो कॉस्ट्यूम नहीं था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आधा पेड़ है और आधा आदमी। आधा पेड़ और आधा आदमी, मतलब पूरा पेड़ नहीं था वो। रात का वक्त था और हाईवे पे बहुत अंधेरा था, कार की लाइट में जितना दिखा उतना देखा। पर सर, जहाँ तक मुझे याद है वो आधा पेड़ और आधा आदमी ही था, उसके हाथों की जगह टहनियाँ थी और पैरों में से पेड़ की जड़ों जैसा कुछ निकल रहा था। हाथों की जगह टहनियाँ और पैर की जगह पेड़ की जड़ें, ये चक्कर क्या है? सर, मुझे तो लगता है कि कोई ये आदमी है जो पेड़ बन के खून कर रहा है। आप जरा उस पेड़ का स्केच बनवा दीजिए। पर सर, हमें एग्जैक्टली याद नहीं है। जितना याद है उतना बताइए, ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। खून हो गया, कहाँ पे? आइए सर। सारे पीपल के पत्ते, कहीं ये खून भी वही पेड़ वाला आदमी तो नहीं कर रहा है? पेड़ वाला आदमी अजीब तरह से गला घोटकर खून कर रहा है। सर, अगर उस पेड़ वाले आदमी ने ये खून किए तो वो अपने टहनी उसे गला घोटता होगा। सर सर, मुझे लगता है कि पीपल के पेड़ में कोई आत्मा हो। क्या बोला? कुछ नहीं, बाहर जाओ, बाहर जो कार खड़ी है उसको अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है। यस सर। सचिन, काजल, तुम लोग घर को अच्छी तरीके से चेक कर लो। सर सर। खून जब हुए तो उस वक्त कहाँ पे थे तुम? मैं उस समय बाजार गया था भाजी खरीदने के लिए, जब वापस आके देखा तो लाश। ये साहब और मेम साहब को कितना टाइम हुआ शादी के? नहीं साहब, ये वीरेन साहब की बीवी नहीं है। वीरेन की बीवी नहीं? नहीं साहब, वीरेन साहब की बीवी गायत्री जी है, पर पता नहीं औरत ने क्या जादू कर रखा था,
कि साहब ने उन्हें बाहर निकाल दिया और इसे यहाँ ले आए थे। तो तुम्हारे साहब ने दूसरी शादी की इनसे? नहीं साहब, ये बिना शादी के यहाँ रह रही थी। इनका नाम क्या? वो अनुपमा। हाँ सर, ये डायरी मिली है। साहब, ये गायत्री मैडम की डायरी है। वो इसमें रोज कुछ ना कुछ लिखा करती थी। God is great. एक बात बताओ, अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे कोई सामान गायब हुआ है क्या? साहब, यहाँ पर पीतल की मूर्तियां रखी हुई थी, वो गायब है। पीतल की मूर्ति? हाँ साहब, यहाँ से कुछ मूर्तियां और कीमती सामान गायब है। इसका मतलब ये पेड़ वाला खूनी लूटपाट के लिए खून कर रहा है। सर, गाड़ी में से ये ड्राइविंग लाइसेंस दिला सर। वेरी गुड, चलो अनुपमा का एड्रेस तो मिल गया। सर, स्केच रेडी। देखते हैं। आदमी के हाथ पैर ऐसे? जी सर, वो पेड़ ऐसा ही था। हाथों से टहनियां चिपकी हुई हैं, पैरों में जड़े हैं, ये शक्ल कुछ अजीब सी, पूरे शरीर पे पत्ते लगे हुए, आधा आदमी आधा पेड़, आखिर ये चीज है क्या? Are you sure ये स्केच सही बना है? जी सर। जी सर। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सर। क्या बात है भाई, आप लोग इतने हैरान से क्यों? सर आप यहाँ? अरे यार, वो अनुपमा और वीरेन की लाश में से मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या मिला डॉक्टर साहब? ये मिला है, ये उन दोनों के जख्मों में से मुझे ये पीपल के पत्ते और ये लकड़ी का टुकड़ा मिला है। डॉक्टर साहब, विकी की लाश में से भी आपको ऐसी चीजें मिली थी ना? एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दया दया, अभी 100% कन्फर्म हो गया है कि इन दोनों का खून भी उसी पेड़ ने किया है जिस पेड़ ने विकी का खून किया। बाय द वे, आप लोग वहां पर क्या देख रहे थे? सर, उसी खूनी का स्केच है, जरा आप भी देख लीजिए। इसने खून किया? हाँ डॉक्टर साहब, पता चला हम लोग हैरान क्यों हैं। कमाल है यार, अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि इंडोनेशिया और रोमानिया में ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन अब यहाँ इंडिया में भी। मतलब डॉक्टर साहब, रोमानिया और इंडोनेशिया में पेड़ खून करते हैं? विवेक, ये पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, ये आदमी है। आदमी? पेड़ जैसा दिखने वाला आदमी? एग्जैक्टली, ये आदमी। और ये जो है, ये खास तरीके की बीमारी है। इस बीमारी में आदमी पेड़ जैसा दिखाई देने लगता है। डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान पेड़ जैसे दिखने लगता है? देखिए, मेडिकल टर्म में तो इसे एपिडर्मो डिस्प्लेसिया वेरोसिफॉर्मिस कहते हैं, लेकिन आम तौर पर आप लोग इसे ट्री सिंड्रोम भी कह सकते हैं। मतलब इस बीमारी में हाथों की जगह पे टहनियां उगने लगती है और पैरों की जगह पे जड़े। एग्जैक्टली, इस तरीके की बीमारी में इंसान के शरीर में वार्ट्स आ जाते हैं, फोड़े, खास तौर पर चेहरे पर, हाथों पर और पैरों पर। मगर डॉक्टर साहब, ये वार्ट्स तो छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, और वैसे भी वार्ट्स तो कॉमन सी बीमारी है। यू आर राइट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर होता है, और ऐसे कमजोर इम्यून सिस्टम में अगर शरीर में वार्ट हो जाए तो जो नतीजा होता है तुम लोगों के सामने। पर सर, ये वॉट्स हर किसी को तो नहीं आते ना? दरअसल ये बीमारी एक वायरस से फैलती है, HPV। जैसे HIV होता है, वैसे HPV भी होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आ, मैं दिखाता हूं। ये देखो बस, उस वायरस से बीमार कुछ मरीजों के फोटोग्राफ्स। भगवान, ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे, पता नहीं क्या बीत रही होगी इन बेचारों पे। इस बीमारी में इन मरीजों के शरीर पे पत्ते नहीं है। इस बीमारी में शरीर पे पत्ते तो नहीं आते हैं ना? Exactly, पत्ते नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये पेड़ नहीं है, एक आदमी। इसका मतलब है सर, शायद ये खूनी अपनी बीमारी का फायदा उठा रहा है। वो अपने शरीर को पीपल के पत्तों से ढक के पेड़ बन जाता है। Yes. और फिर लोगों के खून करता है। इस वक्त कौन आया होगा? कहीं अनुपमा तो नहीं? मैं देखती हूँ। हाँ, देख।
कहिए, किनसे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी? नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप लोग यहाँ कैसे? ये अनुपमा का घर है। जी हाँ, वो हमारी बेटी है। क्यों, क्या बात है, क्या हुआ क्या? देखिए, खबर कुछ अच्छी नहीं है। एक्चुअली अनुपमा का खून हो गया है। खून? खून? नहीं नहीं, मेरी बेटी को नहीं मार सकता। ऐसा नहीं होगा। उसने किसी का क्या बिगाड़ा? उसको क्यों किसी ने मारा था? किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा मेरी बेटी को? देखिए, मम्मी को एक अजीब सी बीमारी है। बीमारी? जी हाँ, एपिडर्मो डाइसप्लेसिया वेरुसिफॉर्मिस। एपिडर्मी डाइसप्लेसिया वेरुसिफॉर्मिस? देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी पेड़ की तरह दिखने लगता है। उसके हाथ टहनियों जैसे दिखने लगते हैं और पैर पेड़ की जड़ जैसे दिखने लगते हैं। कहीं ये वही बीमारी तो नहीं है जो HPV वायरस से फैलती है? जी हाँ, ये वही बीमारी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन ये आप कैसे जानते? अरे श्याम को भी तो यही बीमारी है। श्याम? ये श्याम कौन है? अनुपमा का पति। उसी ने मारा मेरी बेटी को। उसी ने अनुपमा का खून किया है। अनुपमा तो किसी वीरेन नाम के आदमी के साथ रहती थी। वीरेन और अनुपमा कॉलेज के जमाने से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए हमने अनुपमा की शादी शाम से कर दी। लेकिन वो शाम के साथ खुश नहीं थी। जैसे उसे बीमारी का पता चला, दोनों बच्चों को छोड़कर वीरेन के पास चली गई। शायद श्याम ने ही खून किया उन दोनों का, उन दोनों से बदला लेने के लिए। इज्जत, अगर ये खून श्याम ने किया है बदला लेने के लिए, तो फिर उसने घर में चोरी क्यों की और विकी का खून क्यों किया? हमें गुमराह करने के लिए? आप लोग जरा इस श्याम का एड्रेस दीजिए। ये कहिए, श्याम कहाँ है? बुलाओ उसे। आप लोग कौन है? श्याम के चाचा। श्याम के चाचा भी हैं? लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। नहीं है? जी ठीक है, अभी पता चल जाएगा। घर का एक एक कोना छान मारो, देखो कहाँ पर है श्याम। आप लोग को घर में घुस के देखने क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ ना, श्याम घर पे नहीं है तो नहीं है। इसे भी प्रद्युमन CID से। CID? हाँ बताओ, कहाँ छुपा के रखा है शाम को? सर, वो मेरे यहाँ किरायेदार था, अब वो यहाँ नहीं रहता है। मैंने उसे 3 महीने पहले निकाल दिया। सर, यहाँ पे कोई नहीं है। सर, मैंने कहा था ना, वो यहाँ नहीं है। क्यों घर से निकाला उसे? अब किराया नहीं देगा तो और क्या करूंगा? सर, नीचे भी कोई नहीं है। अच्छा, कब से रह रहा था तुम्हारे इस घर में? 5 साल से। 5 साल से? मतलब सर, 5 साल तक वो किराए दे रहा था? हाँ दे रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ हो गया था। क्या हो गया था उसे? चल, उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। अजीब सी बीमारी हो गई थी? हाँ, अजीब सी बीमारी, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। क्या हुआ था उसे? वो अचानक पेड़ जैसा दिखने लगा। पेड़ जैसा दिखने लगा? पेड़ मतलब वो वाला पेड़, शाखाओं और पत्तों वाला पेड़? वही, उसके हाथ पर पेड़ जैसे दिखने लगे, और इसकी वजह से उसके नौकरी भी चली गई। कहाँ नौकरी करता था? किसी फैक्ट्री में अकाउंटेंट था। फैक्ट्री में अकाउंटेंट था? उसके साथ बहुत बुरा हुआ सर, उसकी बीवी भी छोड़ के चली गई और फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया। बुरे वक्त में तुमने भी तो साथ नहीं दिया उसका, निकाल दिया घर से। अब कहाँ है वो, मालूम होगा तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसके बच्चे हैं ना, बीवी बच्चे? हाँ सर, उसकी एक बच्ची है महक। कहाँ पढ़ती है वो? ABIS स्कूल में। महक? ABIS स्कूल? सर, स्कूल रिकॉर्ड से महक का फोटोग्राफ मिल गया है, लेकिन हमें जो एड्रेस मिला है वो शाम के पुराने घर का है। हाँ, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होने वाली है? 1:30 बजे सर। महक आ रही सर, उसी से पूछते हैं। शाम का नहीं, फ्रेडी
बच्ची है, डर जाएगी वो। सुनो सुनो, घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से, हम तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं। सीआईडी मतलब पापा? पापा? अरे बेटा क्या हुआ बेटा, ये लोग कौन है? तुम्हारा खेल खत्म हो गया शाम, हम लोग सीआईडी से हैं। कैसा खेल? अपने इस बीमारी का फायदा उठा के तुमने तीन तीन खून किए हैं। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी है, मैं तो खुद किस्मत का मारा हूँ, मैं किसी को क्या मारूंगा। तुम्हारी बीवी अनुपमा की दोस्ती वीरेन से हो गई थी, इसके लिए उन दोनों का खून कर दिया तुमने, है ना? मम्मी, क्या हुआ मेरी मम्मी को? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, संभालो। अनुपमा मर चुकी है, प्लीज सर, बच्ची के सामने ऐसा मत बोलिए। सुबह तुम्हारी बच्ची का इतना ही ख्याल था तो क्यों किया है? क्यों मारा उसे तुमने? भगवान कसम मैंने किसी को नहीं मारा, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अभी पता चल जाएगा। सचिन, इस घर की तलाशी लो। सर। तीन दिन पहले रात को तुम हाईवे पे क्या कर रहे थे? मैं तो रात में ही घर से बाहर निकलता हूँ। इसका मतलब सब बॉक्सेस में कुछ ना कुछ रखा है। दिन में तो घर के बाहर निकल ही नहीं सकता बीमारी की वजह से। चोरी की हुई घड़ी और अंगूठियां, विकी की चेन। सर, ये देखिए, विकी की चेन और ये अंगूठियां, और वीरेन के घर से जो ये मूर्तियां चोरी हुई थी, ये सब एक गिफ्ट बॉक्स में पड़ी हुई थी। तुम्हारे बीमारी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मिस्टर श्याम, हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, अपने आप ही बता दो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो फिर ये चोरी का सामान तुम्हारे घर में कहां से आया? सर, ये सामान हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में दिया? किसने? पता नहीं, कोई हमारे दरवाजे के बाहर पार्सल रख के जाता है जिसमें काफी कीमती तोहफे होते हैं, इन्हें बेचकर हम अपना घर चलाते हैं। तोहफे के साथ कुछ और भी था? तोहफों के साथ वो चिट्ठियां भेजता है मुझे, मगर चिट्ठियों में कभी अपना नाम नहीं लिखता। क्या हम वो चिट्ठी देख सकते हैं? मैं लाती हूं। श्याम, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं जानता हूं जिंदगी के इस दौर में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, पर तुम मुझे अपना साथी मान सकते हो। कुछ तोहफे भेज रहा हूँ जिन्हें बेच कर तुम अपने घर चला सकते हो। मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करना, ऐसे तोहफे तुम्हें लगातार मिलते रहेंगे। तुम्हारा शुभचिंतक। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया सर कि मैंने ये खून नहीं किए सर। आई एम सॉरी मिस्टर श्याम, कोई तो है तुम्हारे इस बीमारी का फायदा उठाकर ये पत्ते लगाकर लोगों के खून कर रहा है। सो ये देखिए, गॉड इज ग्रेट, मुझे ये वीरेन के घर पे एक डायरी मिली थी, गायत्री की डायरी। उस डायरी के हर पन्ने पे लिखा था गॉड इज ग्रेट, और यहाँ देखिए इन सभी चिट्ठियों पे लिखा गॉड इज ग्रेट। मतलब ये गायत्री? आ रही हूँ। कौन है? अरे कौन है आप लोग? अरे ऐसे कैसे सीधे घर में घुसे आ रहे? बताइए तो सही कौन है आप लोग? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? और मेरे घर पर? ये नोट्स, ये लेटर तुमने लिखे है ना? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा है। या आप ही ने लिखा है? मैंने नहीं लिखा ये। और वीरेन और अनुपमा, इन दोनों का खून भी आपने ही किया है गायत्री जी। वीरेन और अनुपमा का खून हो गया? या उन दोनों का खून हो गया, और उन दोनों का खून तुमने ही किया। सर आप ये सब बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। बहुत अच्छी तरह से सोच के बोल रहा हूँ मैं। सर ना ही मैंने ये चिट्ठियाँ लिखी है, ना ही मैंने वीरेन और अनुपमा का खून किया है। वीरेन तुम्हारा पति है, उसने तुम्हें धोखा दिया, अनुपमा को पाने के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। क्यों?
और फिर बदले की आग तुम्हारे दिल में जलने लगी, तो फिर तुमने वीरेन का... नहीं सर, ये सब गलत है। मैं सपने में भी वीरेन को नहीं मार सकती। ये चिट्ठियां इस बात का सबूत है कि खून तुम ही ने किया। तुम्हारी आदत है ना चिट्ठी लिखने से पहले ये लिखना, गॉड इज ग्रेट। हाँ मेरी आदत है गॉड इज ग्रेट लिखने की, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने खून किया। अच्छा विवेक, जरा डायरी दो। ये डायरी आप ही की है ना? हाँ ये तो मेरी ही डायरी है। और ये लिखावट? हाँ ये तो मैंने ही लिखा है। तो गायत्री जी, इस डायरी की लिखावट और इन नोट्स की लिखावट दोनों को मैच करके देखा और पता चल गया कि ये लिखावट एक ही आदमी की है, और वो भी तुम्हारी। ओह माय गॉड, कहीं ये सब उसने? उसने? किसकी बात कर रही हो तुम? गौरव। कौन है गौरव? गौरव मेरा भाई है। उसे भी आदत है ये गॉड इज ग्रेट लिखने की? जी हाँ उससे भी आदत है। गाइए गौरव, लॉस। वो तो अपनी प्ले के रिहर्सल के लिए गया है। किस प्ले के रिहर्सल के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये कहा था कि वो किसी पेड़ का किरदार निभाने वाला है। गौरव पेड़ का किरदार निभा रहा है? जी हाँ। कहीं वो खून भी उसी ने तो नहीं किए? नहीं नहीं सर ऐसा मत कहिए, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। गौरव कहाँ मिलेगा इस वक्त? सर उसने कहा था कि वो कल सुबह तक लौटेगा। मतलब और एक खून होने वाला है इस रात को। किसका खून होने वाला सर? अगर गौरव शाम को फंसाना चाहता है, गौरव किसी ऐसे आदमी का खून करेगा जो शाम का दुश्मन है। अरे मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। सर आप शाम मिल गया क्या? शुक्र करो तुम ठीक ठाक हो। वाला मुझे क्या होगा? हमें शक है कि खूनी तुम्हें मारने वाला, वो आ सकता है यहाँ पर। मतलब सर? मतलब ये कि खूनी शाम को फंसाना चाहता है, और वो अच्छी तरह से जानता है कि आपने उसे घर से निकाला था, और इस बात का फायदा उठाकर वो आपको मार सकता है। लेकिन सर अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ। गॉड, तो और किसका खून होने वाला है? शाम को नौकरी से निकाल दिया था ना? हाँ सर। शाम कहाँ पर नौकरी करता था? 22 नंबर गोदाम के पीछे जो फैक्ट्री है ना उसमें। तो फिर खूनी जरूर शाम के बॉस को मारने जाएगा। फ्रेडी तुम इनके प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रुको, चलो 22 नंबर गोदाम। तुम जाओ उधर। अरे संभाल के आज खाना नहीं खाया क्या? साहब सारी मशीनें बंद कर दी हैं, आप चाहो तो देख लीजिए। ठीक है कल टाइम पे आ जाना। नमस्ते। कौन है? कौन है वहां? रघु तू है क्या? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन है तुम? मेरे पास मत आना। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बस ड्रामा बंद कर। उन्हीं पेड़ और से तेरे टहनियों में इतनी ताकत नहीं है। गौरव भागने की कोशिश मत करना। कहां तक भागेगा? बहुत शौक था पेड़ बन के लोगों का खून करने का। मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ सर, मैं भूल नहीं सकता था सर, बस उसी का बदला लिया मैंने। तो क्या मैंने कहा था तुझसे जाके वीरेन और अनुपमा का खून करने के लिए? तुमने नहीं कहा था, पर वीरेन ने जो दुख दिया तुम्हें उसका दम साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में। तो तुम्हें क्या लगा खून करने से बहन के जख्मों पे मलहम लग जाएगा? मैं तो सर बस वीरेन को सबक सिखाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा? सारे सबूतों से तो शाम पकड़ा जाना चाहिए था। हाँ मेहनत तो बहुत की तुमने शाम को फंसाने के लिए। पहले विक्की का खून किया, उसकी घड़ी चेन कीमती चीजें सब शाम को गिफ्ट में भेज दी, और फिर वीरेन और अनुपमा को भी मारा, और वीरेन के घर से कीमती सामान चुरा के वो भी शाम के घर भेज दिया। क्या लगा था तुम्हें ये सब करके एक बेगुनाह को फंसा दोगे? शाम की जिंदगी तो वैसी बर्बाद है इस बीमारी की वजह से। मुझे लगा कि खून मैं करूंगा वो पकड़ा जाएगा। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। खूनी, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। दीदी, I'm sorry, दीदी, प्लीज माफ कर दो दीदी। अगर तुम बहन की मदद करना चाहते थे तो सहारा देना चाहिए था इसे। तीन तीन खून कर दिए तुमने, एक बार भी नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा इनका? गलती हो गई सर, प्लीज माफ कर दो सर।
सॉरी सर प्लीज। खून करने पे माफी नहीं, फांसी मिलती है, फांसी।